जबलपुर पुलिस में आरक्षक के पद पर अपनी सेवा दे रही महिला के पिता के साथ मेडिसिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसमें मरीज का कहना है कि डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव के द्वारा उनका हाथ पकड़कर पलंग से घसीट दिया गया और पैसों की मांग करते हुए उनको बंधक बना लिया गया। वहीं महिला आरक्षक का कहना है कि जब इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो आम लोगों के साथ क्या किया जाता होगा। तो वहीं आपको बता दें कि मेडिसिटी हॉस्पिटल से कई बार अभद्र व्यवहार की शिकायतें मिल चुकी है। ये मामला है आए दिन मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले जबलपुर के आगा चौक स्थित लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल का। आज एक बार फिर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। विगत दिनों लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल जबलपुर में अपना इलाज कराने आए हुए मरीज के साथ डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जहाँ मरीज का कहना है कि डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव के द्वारा उनका हाथ पकड़कर पलंग से घसीट दिया गया और पैसों की मांग करते हुए उनको बंधक भी बना लिया गया, जहाँ मरीज के परिजन के द्वारा मीडिया को बताया गया कि उनके पिता का एक माह पूर्व मेडिसिटी हॉस्पिटल में बवासीर का ऑपरेशन करवाया गया था, जिसके कुछ दिन बाद ही ऑपरेशन के कारण शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, जिसके कारण उनको दोबारा हॉस्पिटल आना पड़ा और यहां उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिसके चलते मरीज और उनके परिजनों में आक्रोश है। भैया, लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में मेरे पिताजी एक माह पहले एडमिट हुए थे, जिनका बवासीर का ऑपरेशन हुआ था। बवासीर का ऑपरेशन होने के बाद समथिंग एक सप्ताह एडमिट रहे, इसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज करा के घर चले गए थे। घर में जाने के बाद उनको अचानक पेट में समस्याएं उठी। समस्याएं उठने के बाद उनने पुनः दोबारा डॉक्टर साहब से फ़ोन पे संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए हॉस्पिटल, यहाँ दिखाइए आकर के। फिर उनको जब दर्द सहा नहीं गया तो नैनपुर हॉस्पिटल पड़ता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनपुर में, वहाँ उनने दिखाया डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने बताया कि आपको बोले ऑपरेशन होने से इन्फेक्शन फैला है, आपको बाथरूम की थैली में इन्फेक्शन है, पहले से इन्फेक्शन रहने के कारण ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया, तो बोले इसमें टाइम लगेगा, आप जबलपुर ही जाकर दिखाइए। तो हम परसों के दिन ला के यहाँ डॉक्टर साहब को दिखाए। डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद में उनने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो परसों एडमिट कर दिए थे आयुष्मान कार्ड के थ्रू। और कल डॉक्टर साहब के साथ एक डॉक्टर साहब और आए थे, चौबे सर हैं, वो बता रहे थे, तो उन्होंने सर रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि इनको बाथरूम में इन्फेक्शन है और इनकी जांच कराई जाए, जांच कराने के बाद में पता लगेगा क्या समस्या है, उस आधार पर इलाज इनका किया जाएगा। सर आज इनकी जांच लिखी गई थी, सर जांच लिखी गई तो जांच कराने के लिए आए तो वापस भगा दिए कि बोले आज जांच नहीं होगी। इसके बाद में जब डॉक्टर साहब राउंड पे गए श्रीवास्तव सर, तो पिताजी बोले कि सर अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा तो मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए, मेरा समय यहाँ इन्वेस्ट ना किया जाए। तो डॉक्टर साहब उनको हाथ पकड़े पिताजी को और वहाँ से बोले कि आप यहाँ से चले जाइए, उड़ जाइए, आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, और उनको बेड से घसीट दिए सर। तो ये जानकारी सर मुझे बताई गई तो फिर मैं आया सर, बस इतना ही हुआ। तो सर जो पहले जो ऑपरेशन हुआ था जी, इन्फेक्शन उसी ऑपरेशन के कारण हुआ सर, नैनपुर में तो वही बताया गया हॉस्पिटल में जी, जी जी जी, वो मेडिसिटी लाइफ हॉस्पिटल यहीं पर हुआ था सर। अब इलाज के लिए क्या बोल रहे हैं? अब सर वो बोल रहे हैं कि आप घर चले जाइए, कोई इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ, और सर पेमेंट बिलिंग के लिए बोल रहे हैं, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप बिलिंग बनाइए, आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, आयुष्मान शुरू के 72 घंटे के पहले अप्रूवल नहीं हो सकता। तो अभी आपके पिताजी को जाने दे रहे कि नहीं जाने दे रहे? सर अभी प्रोसेस तो चल रही है सर ले जाने की। वहीं अब देखना होगा कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की आम को हो चुकी समस्याओं पर कार्यवाही करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट जबलपुर।